टैक्सी द्वारा महाराष्ट्र के नाला सुपारा से 4 दिन का सफर तय कर पहुंचे छतरपुर फतेहपुर जिले के 2 परिवार। वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के साइड इफेक्ट लगातार देखने को मिल रहे हैं। देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है और इसी बीच प्रवासी लोगों का अपने घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नाला सुपारा से टैक्सी में बैठकर 2 परिवार 4 दिन का सफर तय कर आज छतरपुर पहुंचे और इसके बाद टैक्सी का सफर कर उन्हें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले तक जाना है। शुक्रवार को महाराष्ट्र से चले थे ये दोनों परिवार और आज 4 दिन में छतरपुर पहुंचे हैं और आगे दोनों परिवारों को इसी टैक्सी से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक का सफर तय करना है। इन लोगों का कहना था कि इनकी एक जगह पर जांच भी हुई, हालांकि इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और इनके परिवार में महिलाओं के साथ बच्चे भी इस सफर में शामिल हैं। क्या नाम है? राकेश मंजेश्वर। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र, नाला सुपारा। कहाँ जा रहे हैं? जाना है फतेहपुर जिले। कब चले थे वहाँ से आप? शुक्रवार को चले थे। रास्ते में कोई परेशानी? नहीं, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। बीच में कहीं जांच वगैरह हुई आप लोगों की? हाँ, एक बार जांच हुआ रास्ते में, एक बार जांच हुआ। क्या नाम है? अनिल कुमार जायसवाल। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई, नाला सुपारा। कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे फतेहपुर जिला। कब चले थे आप लोग? शुक्रवार को। अच्छा, रास्ते में कोई परेशानी वगैरह? नहीं, कोई परेशानी। कहीं जांच वगैरह हुई आप लोगों की? हाँ, एक जगह जांच हुआ है।